व्यापार मंडल गोरखपुर उत्तर प्रदेश और रिजर्व पार्टी बस ऑपरेटर्स यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में व्यापार मंडल के अध्यक्ष शमशाद खान उर्फ भोला के नेतृत्व में ट्रांसपोर्टरों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र ज्ञापन जिलाधिकारी के विजयन पांडियन को प्रेषित किया। COVID-19 महामारी के कारण हमारे वाहन खड़े हैं, वाहनों का संचालन न हो पाने से हम गाड़ियों के फाइनेंस की किस्त, वाहनों के प्रतिकर, चालकों का वेतन, बीमा आदि देने में समर्थ नहीं रह गए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि अन्य राज्यों की तरह लॉकडाउन की अवधि का वाहनों का कर माफ किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्यापार मंडल के अध्यक्ष शमशाद खान उर्फ भोला और रिजर्व बस ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र गुप्ता ने कहा, शमशाद खान भोला, आज हम लोग व्यापार मंडल गोरखपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हैं। ख़ास तौर पे हमारे ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के लोग भी आए हुए हैं। हम लोग जिलाधिकारी महोदय से इसलिए मिलने के लिए आए हैं कि COVID-19 ख़ास तौर पे लॉकडाउन के वजह से जो भी कॉमर्शियल गाड़ियाँ छोटी हों या बड़ी हों जो खड़ी हो गई, जिनका लगभग 2-3 महीना लगभग टैक्स भी उनको बकाया हो गया, हम ये जिलाधिकारी जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी टैक्स 3 महीने का जो भी हम लोग का बनता है कॉमर्शियल गाड़ियों का, उसे माफ़ कर दिया जाए और हमारा जो इंश्योरेंस है उसे एक्सटेंड कर दें। परमिट में भी जो उसका टैक्स होता है उसको भी माफ़ कर दें। हम लोग की यह मांग है व्यापार मंडल और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से। सुभाष चंद्र गुप्ता, हम रिजर्व पार्टी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आज के संबंध में हम लोग गोरखपुर रिजर्व पार्टी एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने DM साहब से मिलने आए थे। उनको हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया कि जो हम लोगों का 3 महीने का टैक्स है माफ़ किया जाए, हम लोगों का इंश्योरेंस जो है 3 महीने तक एक्सटेंड किया जाए, हम लोगों की परमिट 3 महीने तक एक्सटेंड किया जाए और हम लोगों को चलने के लिए सारी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सब दिया जाए। हम लोगों को रिजर्व पार्टी का परमिट भी बनाया जाए हम लोगों को।